नहीं दीदी, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो। रचना बेटा ये ले, मार मार के इसकी जान ले ले, चीथड़े उड़ा दे इसकी। दीदी आप ही मारो, इसका पंजा भी ढक्कन लगा दो। पहलवान तू मुंह बंद कर। ये ले बेटा, तू डर मत, किसी की हिम्मत नहीं है कि तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के देख सके। अपनी इज्जत का बदला ले ले इससे, ले मार इसको, मार। नहीं ये ले। नहीं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे मारो मत। अपनी इज्जत का बदला लूंगी, मारूंगी इसे। नहीं नहीं, आ, 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 ये मेरा हाथ पकड़ने के लिए, ये ले, ये मेरे साथ बदतमीजी करने के लिए, और ये मेरे कपड़े फाड़ने के लिए, और ये मेरी इज्जत लूटने के लिए। जान से मार दे, जाने दो मुझे, जाने दो तुझे। मैं चिंगारी की अदालत में तेरे जैसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो है सजाए मौत। साले तेरी दोनों टांगे तोड़ के गली गली में भीख ना मंगवाई ना, तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, चिंगारी किन्नर नहीं। चिंगारी माफ कर दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, माफ कर दो मुझे। अरे क्यों भीड़ लगा रखी है और क्यों मार रहे हो इसे? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ही मार देगी मुझे। इंस्पेक्टर साहब यहाँ वो हो रहा है जो कानून की नजर में कानून हाथ में लेना बोलते हैं, कानून हाथ में लेना। अरे तो इसका अपराध क्या है जो इसे इतनी बेरहमी से मार रहे हो? इसका अपराध ये है कि इसने इस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की, इसलिए इसे बांध रखा यहाँ पे मैंने। देखो सजा देने का काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं। इसे अभी के अभी खोलो और कानून के हवाले करो, सजा इसे कानून देगा, तुम नहीं। तुम कौन होते हो कानून हाथ में लेने वाले? किस कानून की बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? उस कानून की जो 12 साल के बच्चे को बालिग घोषित करके बसों ट्रेन में पूरी टिकट वसूल करता है, या उस बलात्कारी की जो 17 साल 11 महीने 29 दिन का होने के बावजूद भी कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देता है? बताइए इंस्पेक्टर साहब, उस कानून की पैरवी करने आ पाए हैं जो छोटे से गरीब को कड़ी से कड़ी सजा देता है और लाखों करोड़ का घोटाला करने वाले के ऊपर शिकंजा नहीं कस पाता? किस कानून की बात कर रहे हैं आप जो एक अपराधी को बचाने के रात में भी कोर्ट खोल देता है और एक गरीब लाचार को अपनी बेगुनाही सबूत करने के लिए मौत को गले लगाना पड़ता है? ऐसे कानून की पैरवी करने आप आए हैं? बोलिए इंस्पेक्टर साहब, चुप क्यों हैं? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ही मार देगी मुझे। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है या कोई ढाबा? सुबह बिना खाए पिए निकल आया था। हाँ हाँ थोड़ी दूर में है पंडित जी का ढाबा, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक है मैं चला जाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लो। हाँ परसों मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक बलात्कारी को भीड़ ने मिलकर जान से मार दी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लो, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो। जी दी दी। समझ गया मैं। इंस्पेक्टर साहब बेटा तू मुंह घुमा ले, उधर मुंह घुमा ले। सुनो एक काम छोड़ो टे की बात, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? काम क्या तेरा बाप करेगा? हाँ तुझे पता है मालिक को ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, उनके कपड़े प्रेस होने हैं, सुनाई नहीं देता तेरे को? अभी करता हूँ मैम साहब। तुझे मैं बताती हूँ आज, छोड़ इस पाइप में यहाँ पे, चल चल यहाँ से, चल तुझे बताती हूँ आज, चल अंदर। काम छोड़ कहीं का। कहा था ये कामचोर? ये कामचोर नीचे एक घंटे से पाइप लेकर खड़ा था। विवाह मैंने तुझसे कितनी बार बोला है यार, हटा दो इसे और रख लो कोई काम वाली, कुछ काम हम तो होता नहीं है इससे। नहीं साहब आप मुझे काम से मत निकालिए, जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। अच्छा सुनो तुम मुझे जरा 500 रुपए दो, आटा मंगाना है, आटा ही खत्म हो गया है,
इसके चक्कर में वो भी भूल गई। लो, बोलो। ये ले पकड़ पैसे और सुन, सीधा बनिए की दुकान पर जाना और आटा लेके इधर आना, कभी इधर उधर टहलने निकल जाए। चल जा। तुमने लंच नहीं बनाया अभी तक? अरे यार, इसके चक्कर में ना लंच रह गया। अब मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी बना के लो। तुम बैठो, अभी 10 मिनट में बना देती हूँ। ठीक है, जाओ। और पहलवान, क्या बनाए खिलाएगा आज मुझे? जो कहोगे दीदी वो खिलाऊंगा। चल घर जाके बताऊंगी क्या खिलाएगा तू मुझे। दीदी, इसके माँ बाप कितने कसाई हैं, सिर में कितना बोझ ला दुआते हैं। सही कह रहा है पहलवान, इससे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा। चल तो चल के देखते हैं। बेटा, इसमें क्या है? इसमें आटा है, मैडम जी ने बोलते है आटा लाने को। मैडम जी? कौन सी मैडम जी? जिनके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ वो मैडम जी। ये देना बेटा मुझे, ये दो। ये पकड़ पहलवान। बेटा, तुम इतना भारी कैसे लेके आ गए थे? कोई रिक्शा वगैरह कर लेते? मैडम जी, रिक्शा का किराया नहीं रहती, इसलिए सारा सामान सर पे रख के लाना पड़ता है। दीदी, इतना छोटा बच्चा है, इसके सिर में बहुत धुरवाते हैं। सही कह रहा है पहलवान। बेटा, तुम किसके यहाँ काम करते हो? यही तो है मैडम जी का घर। बेटा, तुम पढ़ाई नहीं करते हो क्या? और क्या जरूरत है ये सब काम करने की? दीदी, मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं दवाई के लिए काम कर रहा हूँ। दीदी, कितनी चंडाल औरत है, छोटे से बच्चे कितना काम करा रही। सही कह रहा है पहलवान। दीदी, पेट भर के खाना बिन देती ऊपर से और मारती भी और है। एक काम कर बेटा, चल तो जरा जरा चल पहलवान, आ मेरे साथ। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, ये इतना प्यारा मासूम सा बच्चा, इसके साथ तुम लोग नौकरों जैसा बर्ताव करते हो, हैं? कितना भारी सामान लेके आता सिर पे ये? तुम्हें शर्म नहीं आई इसे ये काम करवाने के लिए? अपनी माँ की नौकरी पूरी करने के लिए यहाँ काम कर रहा है, ताकि इसके माँ की 2 टाइम की दवाई मिल सके। अपने बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हो तुम लोग? बिठा के प्यार से खाना खिला रहे हो ना, ये भी तो किसी का बच्चा है। दीदी, हमें माफ कर दो प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आज के बाद कभी किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेंगे। गलती हो गई चिंगारी जी, अब इस बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखेंगे। चिंगारी जी प्लीज माफ कर दो, प्लीज चिंगारी जी माफ कर दो। हाँ दीदी, हमें माफ कर दो। मन तो कर रहा तुम दोनों का टेट हुआ दबा दूं, लेकिन नहीं, तुम्हारी बच्ची की शक्ल देख ली मैंने। दीदी हमें माफ कर दो, हम अपने बच्चे की तरह ही इसको पालेंगे। आज के बाद से ये बच्चा तुम दोनों के पास काम नहीं करेगा, इसको मैं अपने घर ले जा रही हूँ, वहीं पे इसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी, समझे? और इसकी माँ की देखभाल भी मैं ही करूंगी। चल बेटा, चल पहलवान। दीदी माफ कर दो, आज के बाद हम इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। चिंगारी किसी को मौका नहीं देती, तुम दोनों की जान बख्श दी मैंने, यही समझे तुम लोग? मलखान जी। दीदी देख, अभी सर्दी पूरी गई नहीं, एक कड़कती धूप अभी से शुरू हो गई यार। सही कह रहे हो दीदी। ये ले, तू भी संतरा खा। भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, खाने को दिया, पहनने को दिया, सब कुछ दिया, लेकिन लोग देखो। सही कह रहे हो। बहुत गर्मी है, भैया वो भैया पानी पिला दो थोड़ा। हाँ लीजिए ना। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद भैया। पानी क्या ये लीजिए? अरे नहीं नहीं बस पानी पिला दो। खाइए खाइए। धन्यवाद धन्यवाद। गर्मी में प्याज भी ज्यादा लगती है। आनंद आ गया भैया, आनंद आ गया। ये लो। वैसे भैया काम क्या करते हैं आप? भैया देखो, हम तो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो मिल जाता कर लेते हैं। अब आज देख लो, इन दो पेड़ों को काटने का बीड़ा उठाया है हमने, ये ठेका मिला है।
आज इनको काट डालेंगे। क्या तुम इन पेड़ों को काटने आए हो जिनकी छांव में बैठे हो तुम? हाँ हाँ भैया, हमारा तो काम ही यही है। अब देखो, एक पेड़ काटने का 500 रुपया मिलता है, दो पेड़ काटेंगे 1000 बन जाएगा हमारा, दाल रोटी से चलती है। लेकिन ये पेड़ कटवा कौन रहा है? वैसे तो ये काम गैर कानूनी है, लेकिन कोई ना कोई ठेका दे ही देता है। अब देखो, जिसका ये पूरा प्लाट है ना, उसके मालिक ने यहाँ पे एक बड़ा सा आलीशान मॉल बनवाना है और उसको ये सारे पेड़ कटवाने हैं। उसने मुझको बोला चुपके चुपके आना और पेड़ काट के चले जाना, किसी को कानो कान खबर ना हो। और मैं भी चुपके चुपके आता हूँ, कभी दो कभी तीन कभी चार पेड़ काट के चला जाता हूँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। अब देखो, ये पीछे वाले ना इस लाइन के सारे पेड़ काटने, आज इन दोनों को काटूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है भैया? किसका? हमारा मनोहर लाल चौरसिया हमारा नाम है। मेरा नाम है चिंगारी, चिंगारी किन्नर, और ये मेरा मलकान है। अच्छा नाम। देखो भैया, अभी थोड़ा धूप ज्यादा है, थोड़ा धूप छट जाए फिर आराम से आज ये दोनों पेड़ काट लूंगा, तब तक थोड़ा आराम कर लो। वाह रे मतलब इंसान, वाह। उसी पेड़ को काटने आए हो जिसकी पेड़ की छांव में बैठ के आराम फरमा रहे हो? अरे तो चिंगारी जी, क्या फर्क पड़ता है, 40-50 पेड़ कट जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ चुका है मनोहर, फर्क पड़ चुका है। पूरी दुनिया तबाही के कगार पे आ चुकी है इस जैसी सोच रखने वालों की। अरे छोड़िए भैया, इन बड़ी बड़ी बातों से हमें लेना देना क्या, हमें क्या तबाही वबाही से मतलब, हमें बस 1000-2000 मिल जाता, हमारी दाल रोटी चल जाती है बस। अरे ये तो वही बात हो गई, जिस थाली पे खाया उसी में छेद किया। अरे मनोहर, तुझे पता भी है पेड़ क्या देते हैं? ये पेड़ हमें फल फ्रूट लकड़ी ऑक्सीजन देते हैं, इन्हीं पेड़ों के वजह से हम लोग साफ हवा ले पाते हैं। तू जानता भी है, तू एक चीज नोटिस कर रहा है कि अभी सर्दी गई नहीं और धूप स्टार्ट हो गई, गर्मी स्टार्ट हो गई, यही प्राकृतिक का प्रलय है। सिर्फ पेड़ों को काट देते हैं ना, इसलिए हमें स्वच्छ हवा नहीं मिलती है, बरसात भी होती है पेड़ों की वजह से होती है। इतने बड़े बड़े जंगल जो काट दिए जा रहे हैं, पेड़ों को काट दिया जा रहा है, कहाँ से इंसान क्यों अब 100 साल नहीं जी पाता है, 50-40 साल में मर जाता है, जब उसको स्वच्छ हवा मिलेगी नहीं तो कैसे जीवित रहेगा, बता मनोहर। क्या भैया, ये अब ये इस हम अपने औजार से पूरा दुनिया का पेड़ तो नहीं काट रहा है ना, हमने देखा है टीवी में देखा है, बड़े बड़े मशीन लाते हैं और जंगल के जंगल साफ कर देते हैं, सब हम ही थोड़ी ना काट रहे हैं भैया। अरे वही तो मनोहर, वही मैं तुझे समझा रही हूँ। तू देख हमारे देश का कितना दुर्भाग्य है कि अगर किसी चीज को रोकने के लिए कानून बनता है तो उसी कानून को तोड़ने के लिए दूसरा कानून बन जाता है, बनता है ना। अब तू ही बता मनोहर, सरकार ने पॉलिथीन बैन किया, तू सच बता क्या पॉलिथीन बैन हो गया? नहीं हुआ ना। सरकार क्या करती है कि ये रेडी वालों को, सब्जी बेचने वालों को, इनको परेशान करती है। पॉलिथीन बनाने वाले मालिकों को कभी धर दो बोचा, उनकी कंपनियां बंद कराई? नहीं बंद कराई ना। जिस दिन उनकी कंपनियां बंद करा देंगे, पॉलिथीन बनना अपने आप बंद हो जाएगा, पूर्ण रूप से बैन हो जाएगा, तो खुद सोच। अरे दीदी, कानून बनता है तोड़ने के लिए। चिंगारी जी, ये जो पेड़ करते हैं ऐसे ही नहीं करते हैं, इसके लिए पता है सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। अब सरकार के जो मुलाजिम है कुछ लालची रिश्वतखोर, उनको पैसे दो और ये परमिशन लेके आ जाओ, उनकी बड़ी गलती है, हमारी नहीं, हम तो मजदूर आदमी है, क्या करें। परमिशन एक पेड़ के काटने की मिलती है, लेकिन उसकी आड़ में 10-10 पेड़ काट दिए जाते हैं। मनोहर, अगर इस चीज को रोका नहीं गया ना तो देश हमारा खत्म होने के कगार पे आ चुका है। अच्छा तू ये देख, गाड़ियों से पॉल्यूशन निकलता है ना, जब तक रसीद उसकी नहीं कटवाओ तो गाड़ियां जहर उगलती हैं, रसीद कटवा लो 1000-2000 की तो ऑक्सीजन उगलने लगती है, ऐसा होता है क्या कहीं? रसीद कटवा लेने से क्या पॉल्यूशन नहीं फेंकेगी गाड़ियां? चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। सही बोला आपने कि जिस थाली में हम खा रहे हैं जाने अनजाने में या जानबूझकर उसी में छेद करते जा रहे हैं, हम आपको आपको वादा करते हैं और कसम खाते हैं कि आज के बाद ये कुल्हाड़ी उलाड़ी को हम हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे हम भूखे मर जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आज के बाद ये पेड़ नहीं काटेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आंखें खोलने के लिए। अरे मनोहर भैया,
अगर आपकी तरह अगर सभी इंसान सोच रखने लग जाए ना, तो सोचो हमारा ये पूरा देश कितना खुशहाल, कितना हरा भरा रहेगा। अरे हमारे देश की जो जनता 150 करोड़ है लगभग, है ना, डेली अगर एक एक पेड़ हर इंसान लगाए तो सोचो हमें कितना स्वच्छ वातावरण मिलेगा। ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होगा, कोई बीमारियां नहीं होगी, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, हमारे जीने की अवधि कितनी बढ़ेगी। मानते हो ना आप इस बात को? बात कह रहे भैया। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप पेड़ों को काटे नहीं, डेली एक पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तभी पॉल्यूशन खत्म होगा और आप लोगों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगा। धन्यवाद। तेरा नाटक बहुत हो गया, चल चल। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। चल चल मम्मी जी, छोड़ो। आज तो मैं ना जांच करा के ही रहूंगी कि तेरे पेट में लड़की है या लड़का है। तो कैसे नहीं चलेगी? हाँ चलना तो तुझे पड़ेगा, पूरे 25,000 रुपए दे के डॉक्टर सेट किया है। चल। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी जी, प्लीज माफ कर दो। कैसे नहीं जाएगी तू? तेरे तो फरिश्ते भी जाएंगे चेकअप कराने के लिए। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत करो। क्या फर्क पड़ता है लड़की हो या लड़का हो? फर्क? अरे फर्क तो बहुत पड़ता है, बेटा ना लेकर आता है और बेटी है ना सारा घर खाली करके चली जाती है। इस बाइक में क्या हो गया अब? दीदी लगता है इस गाड़ी का भी ढक्कन लगाना पड़ेगा। पता नहीं यार, अभी तो नई खरीदी थी, दिक्कत क्या हो गई इसमें? माँ जी, अगर आपके माँ बापों ने ऐसा सोचा होता तो आप भी आज पैदा ना होती और ना ही आपका ये बेटा पैदा होता। कमीनी, जुबान लड़ाती है तू मुझसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप तक पहुँचने की? मैंने कह दिया ना मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं, समझी? जो माँ ने कह दिया ना वो पत्थर की लकीर है जिसे भगवान भी नहीं मिटा सकता, तुझे चलना तो पड़ेगा, समझ गई? आप दोनों क्यों इस मासूम से बच्चे की जान के दुश्मन बने बैठे हो? क्या अपराध है इस बच्चे का? क्यों मार देना चाहते हो आप इस बच्चे को? अपराध? अपराध तो जब होगा जब मुझे पता चलेगा ना कि तेरे पेट में लड़की है। अब तू सीधे से चलती है या इसे बोलूं कि उठा के ले चल? नहीं माँ जी प्लीज, प्लीज मत ले जाओ मुझे, प्लीज जान बख्श दो इस बच्चे की। पहलवान जी, दीदी सामने देख, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। बाइक भी सही जगह में दीदी खराब हुई है, लग रहा है कोई नई भसूड़ी इंतजार कर रही है। सही कह रहा है, इस बाइक की मरम्मत बाद में करेंगे, पहले आ तो इस भसूड़ी की मरम्मत करते। चलो जी। नहीं चलेगी तू, नहीं चलेगी तू। हाँ कौन है तू? Myself, चिंगारे किन्नर। चिंगारे किन्नर के नाम से जानते हैं मुझे। मैं औरतों, बच्चों और लाचारों पे अत्याचार होते नहीं देख सकती, समझी गया? बहू है ये मेरी और सास हूँ इसकी, जो दिल करेगा वो करूंगी इसके साथ। ये मनुष्य बीवी है मेरी और पति हूँ मैं इसका। तू सास है इसीलिए इतनी खास है, और तू पति है ना इसीलिए तेरा सत्यानाश है। दीदी सास तो लग रही है शानदार, पति लग रहा है जानदार और बहू ईमानदार है, तभी तो ये पिट रही है दीदी। सही कह रहा है पहलवान, मामला मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर। देख चिंगारी, हमारे मामले में ना टांग मत अड़ा, तू अपना काम कर। चिंगारी का जन्म ना तेरे जैसे घमंडियों के बीच में टांग अड़ाने के लिए हुआ है, समझी क्या? बेटा तू बोल, सच सच बोल, घबरा मत और तू डर मत, मेरे रहते ना ये दोनों तेरा कुछ भी नहीं कर सकते। चिंगारी नाम है मेरा, ढक्कन ऐसे लगाऊंगी ना इन दोनों के कि जिंदगी भर वो ढक्कन खोल नहीं पाएंगे। तू बता ये तुझे दोनों तंग क्यों कर रहे थे? वो मेरे पेट में। ए, चुप। ए, अगर थोड़ी सी भी जबान निकाली ना, जबान काट के तेरे हलक में घुसा दूंगी, समझा? बोल बेटा बता। दीदी वो मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये लोग उसका चेकअप कराना चाहते हैं, और अगर लड़की है तो उसे मार देना चाहते हैं।
अरे चिरकट, नाम क्या है तेरा? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। ओए नागिन, और तेरा? ममता। क्या करेगी नाम जान के? तुम दोनों के नाम का हरिद्वार में पिंडदान कराऊंगी, इसीलिए पूछा। तेरा नाम गुलाब सिंह है, मतलब फूल, और तेरा नाम ममता, मतलब करुणा और दया। और देखो तो, तुम दोनों के नाम के अकॉर्डिंग तुम दोनों का करैक्टर ही मैच नहीं करता। सामने से देखो तो साला रूही कांप जाए। देख चिंगारी, ये मेरी बहू है और मेरा खाती है, मेरा जो मन करेगा ना वो करूंगी इसके साथ। तू होती कौन है? हाँ, मैं आग हूँ, मैं जल जला हूँ, जिसमें तेरे जैसी डायनो पापी जल के राख हो जाते हैं। और सुन तो, कुछ लोगों को मैं ढक्कन लगा के ही समझा देती हूँ, और कुछ लोग जो प्रो वाले होते हैं ना उनको तो मैं जला के राख कर देती हूँ। मेरे बच्चे को छोड़ दे। So tell me man, how are you feeling now? Is it feel good? Yeah, feel bad? बोला, बोल। चिंगारी, मेरा बच्चा मर जाएगा, इसे छोड़ दे चिंगारी। अच्छा, छोड़ दो इसे, मैं छोड़ दूँ? जब तेरे अपने बच्चे पे बात आई तो तेरी जान निकलने लग गई, और वहां पे जब अपने बहू के पेट में उसी का बच्चा मारना चाहती है तब तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आई, बिल्कुल भी दया नहीं आई तुझे। छोड़ दे मेरे बच्चे को। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरा पैर पकड़ती हूँ, मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरे बच्चे को छोड़ दे चिंगारी, मैं तेरे पैर छूती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दे। अब पता चला ना कितना दर्द होता है जब अपनी कोख का मोती टूटता है तो। तेरी आंखें अभी भी खुली या बंद है? बोल, खुली आंखें? हाँ चिंगारी, तूने मेरी आंखें खोल दी। बच्चे का दर्द क्या होता है आज पता लगा। बेटा हो चाहे बेटी हो, दर्द बराबर होता है। और जब बच्चा दम तोड़ता है तो वो दर्द क्या होता है। मुझे माफ कर दे चिंगारी, आज के बाद तुझे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मेरी बहू को चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मैं उसे अपने सीने से लगा के रखूंगी, मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बस तू मुझे माफ कर दे चिंगारी। चिंगारी जी, हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। अच्छा हुआ तुम दोनों सिर्फ ढक्कन लगाने से ही समझ गए, वरना तुम दोनों को यहीं जला देती मैं। चलो रेखा। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो ना जाने ये मेरे साथ क्या करते। तेरे साथ कुछ नहीं होता बेटा, जहां भी चिंगारी है ना वहां कभी भी लाचार बेसहारे पे कोई भी दिक्कत नहीं आने देती, हमेशा खुश रहे, तेरे साथ अब कुछ नहीं होगा, याद रखना दोनों। चल पहलवान। चलो रेखा, अब हमें कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, चलो। अरे ओ कामचोर, तेरे से गाड़ी साफ नहीं हुई, अभी स्कूटी और बाइक भी खड़ी है, कौन साफ करेगा? मैडम जी, मेरी आज बहुत तबीयत खराब है, आज मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। जरा सी तबीयत खराब में तू मर नहीं जाएगी, नाटक मत कर, चल जल्दी से हाथ चला, अभी घर का भी काम करना है तुझे। मैडम जी, सुबह से कुछ खाया नहीं है और आज मुझे बुखार भी बहुत तेज है, एक गोली मिल जाती बुखार की और एक कप चाय तो आपका बहुत भला होता। शर्मा जी, क्या बधाई लेने जाना है? चलो दीदी चलते हैं। चाय और तेरे लिए मैं बना के लाऊं? अरे नौकरानी तू है या मैं? क्या तेरा मरा हुआ पति मेरे घर में चीनी पत्ती गैस छोड़ के गया है और साथ में दवाई का डब्बा जो मैं तुझे लाकर दूंगी? मैडम जी, जो भी बोलना है मुझे बोलो, मेरे पति को कुछ मत बोलो। ओ, तेरे पति को नहीं बोलू, पूरे 2 लाख खा के मरा है, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं तुझे? 2 लाख कम नहीं होते हैं? उसके बदले मैं काम कर तो रही हूँ आपके यहाँ। काम कर रही है ना, मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही है, जो तू ये काम कर रही है ना उससे सिर्फ ब्याज ही उतर रहा है, अरे असल तो पूरा रखा हुआ है। मैडम जी, क्यों मुझ गरीब पर अत्याचार कर रही हो आप? कुछ तो तरस खाओ कम से कम। क्यों तरस खाऊं? अरे मैंने तो अपने पति से कहा था इन गरीबों को एक भी पैसा मत दो, लेकिन नहीं, उन्होंने तो मेरी एक भी नहीं सुनी, उठा के 2 लाख दे दिए और आग लगा दी और तेरा पति खा के मर गया।
मैडम जी, मेरे पति ने सारी उम्र मालिक की गाड़ी चलाने में निकाल दी, और तो और उनकी मौत भी तो उसी गाड़ी में हुई ना। मलकान जी, दीदी, ये अमीर और घमंडी औरत इस बेचारे पे कितना अत्याचार कर रही है ना। अरे वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी, तेरे मरते हुए पति को चार लोगों ने देख लिया, नहीं तो हमें लाखों रुपया भरना पड़ता। चल अब तू नाटक मत कर, काम कर। मैडम जी, कल से बहुत तेज बुखार है, एक गोली एक कप चाय तो दे दो मैडम प्लीज। ओ नवाबजादी, ज्यादा ना नखरे मत दिखा, सही से काम कर। आइए बड़ी दवाई दे दो जी इसे। आपसे कहा ना, बहुत तेज बुखार है, एक गोली ही तो मांग रही हूँ। अच्छा बुखार है, है? एक एक पैसा वसूल करूंगी तुझसे, जब तक ना मेरे सारे पैसे नहीं आ जाते हैं, ना तुझे मरने दूंगी ना तुझे जीने दूंगी। मुझे तो नखरे मत दिखाइए तू बिल्कुल भी, समझी? आज लगता है इसी पे ढक्कन लगाना पड़ेगा। जुबान लड़ाती है मेरे से। सुनो ए घमंडी औरत, ये जो तू दौलत के घोड़े पे सवार होके घमंड के आसमान में उड़ान भर रही है ना, लगाम दे उसको, वरना जब ऊपर वाले की कैची चलती है ना, तो अच्छे से अच्छे धनवान परिंदों के पंख उतर जाते हैं और इसी जमीन पे आके गिरते हैं वो। लगाम दे इसको, लगाम। ओए तू है कौन? किन्नर है, किन्नर की औकात में रहे? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ? ओए चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अगर तेरी औकात किसी औकात के बराबर होती ना, तो इस मजबूर लड़की के सामने तू अपनी औकात नहीं दिखा रही होती। अरे तेरे से धनवान तो ये औरत है जो अपने पति का कर्जा अपनी मेहनत और मजदूरी से उतार रही है। तू ना हमारे बीच में टांग मत अड़ा, इसके पति ने ना 2 लाख रुपए लिए थे, और जब तक इससे एक एक पैसा वसूल ना कर लूँ ना, तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, और हर हाल में वसूल करूंगी मैं। अच्छा सारा पैसा वसूल करेगी तू? बहन तेरा नाम क्या है? तारा। क्यों, रिश्ता जोड़ेगी, कर्जा उतारेगी इसका? दीदी ये कुछ ज्यादा ना फुदक रही? बेटा जो लोग बेईमानी चोरी और 420 से अमीर बनते हैं ना, एकदम ऐसे ही फुदकते हैं ये। ज्यादा बकवास करी ना तो खाल खिंचवा लूंगी। तो खिंचवा ना। सुनो ये मगरूर औरत, मेरा जन्म तेरे जैसे घमंडी और घमंड तोड़ने के लिए हुआ है, और रही बात खाल खिंचवाने की, तो सुन ले, अगर तेरी जगह कोई आदमी होता ना, अब तक यमराज का मेहमान बन चुका होता, समझी? ए, इतनी महान है ना, तो दे दे 2 लाख रुपए और ले जाए इसे छुड़ा के। दीदी लाऊं का निकाल के 2 लाख रुपए? ले क्या, और बारिश के मुंह पर 2 लाख रुपए, जा जल्दी ले क्या। और तारा बहन, आज के बाद से तू इस औरत की चुंगल से आजाद है। चिंगारी बहन, कैसे उतार पाऊंगी मैं आपका ये एहसान? तारा बहन, चिंगारी किसी पे एहसान नहीं करती, ये मेरा कर्तव्य है, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाती हूँ, और मैं जो भी पैसे कमाती हूँ इस समाज से तो कमाती हूँ। अगर ये पैसा मैं किसी समाज की बहू बहन बेटी पे ना खर्च कर पाऊँ, तो क्या फायदा ऐसा पैसा कमाने का? कोई फायदा नहीं है। चिंगारी बहन, भगवान करे आपकी हजारों साल उम्र लंबी हो, क्योंकि इस समाज को आप जैसी औरतों की बहुत जरूरत है। हम जैसी गरीब औरतें तो गरीबी में ही दम तोड़ देती है। भगवान आपको खुश रखे। चिंता मत करो बहन, अब तुम चिंगारी परिवार का हिस्सा हो। ये लो दीदी, पैसे दो इनको। चल बेटा। चिंगारी रुकना। क्या है अब? ये पैसे। क्यों, कम है क्या? नहीं चिंगारी जी, बस मेरे अंदर ना इंसानियत जाग गई है। और तारा बेटा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कल से घर आ जाना, और हाँ पैसे भी मत लौटाना। तारा तुम बताओ, तुम रहना चाहती हो उनके साथ? हाँ चिंगारी जी। तारा को मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं मिलने आया करूंगी, ख्याल रखना इसका। जा बेटा, खुश रहें। चल मलकान। दीदी एक बात पूछूं? अगर नहीं बोलूंगी तो क्या नहीं पूछेगा तू? चल पूछ। उस सकीना को जो रूम दिया ना दीदी किराए को, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। क्यों पहलवान, वो मुसलमान है इसीलिए? अरे हिंदू मुसलमान बाद में करना, सबसे पहले हम लोग एक इंसान है, इंसानियत होनी चाहिए हमारे अंदर।
तो ये सब फालतू बातों पर ध्यान मत दिया कर। फिर दीदी निभाओ इंसानियत। मुझे पता है रे मैं क्या कर रही हूँ। तू चला दबा। दीदी जी नमस्ते। नमस्ते शकीना, कैसी हो तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? दीदी इस घर में रहते हुए मुझे पूरा एक महीना हो गया, ये लो किराए के पैसे। अरे अभी से क्या जरूरत है, अभी तू रखना, तू अपने खर्चे के लिए रख ले। नहीं दीदी मेरे पास खर्चे के पैसे हैं। पक्का है ना? हाँ। ठीक है, और बता पढ़ाई कैसे चल रही है तेरी? अच्छी चल रही है दीदी। बहुत अच्छी बात है। दीदी मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलना। वो मेरा ना भाई आ रहा है गाँव से, अक्रम, वो कुछ दिनों तक ना मेरे साथ ही रहेगा। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है, बस उसकी आईडी दे देना, पुलिस वेरिफिकेशन करा लूंगी जैसे तेरा कराया था, फिर दोनों बहन भाई मिलके रहना। दीदी मैंने अपनी आईडी तो दे दी है ना, फिर भाई की आईडी क्यों जरूरी है? सकीना जी बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है। दीदी वो अभी कुछ दिनों पहले ना उसका बैग चोरी हो गया था, और उस बैग में उसके सारे डॉक्यूमेंट थे, और काम के चक्कर में उसे टाइम ही नहीं मिला कि वो दोबारा से आईडी ये सब बनवा सके। अरे तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, आधार नंबर तो होगा ही, पैन नंबर भी होगा, उससे डॉक्यूमेंट 2 मिनट में निकल सकता है। तो पहलवान। हाँ दीदी बात तो ठीक है दीदी, मैंने उससे बोला था कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन दीदी आप इतना तो भरोसा कर ही सकते हो ना मुझ पर, भाई है वो मेरा। चल ठीक है, भाई के आने की खुशी में पकवान तो बनेगा ना। हाँ दीदी और आपको भी खिलाऊंगी। चल ठीक है, कब आएगा तेरा भाई? बस आने ही वाला होगा। ठीक है जब आएगा तो बताना मेरे को। ठीक है ठीक है दीदी, नमस्ते। नमस्ते। चुप कर पहलवान, तू तो हर इंसान पे शक करने लगता है। चल पैर दबा, पैर दबा। हाथ दबा लिया तुमने। अरे आप सकीना के भाई हो क्या? हाँ मेरा नाम अकरम है। अरे भाईजान आ गए आप। हाँ सकीना कैसी है? हाँ मैं ठीक। चलो चलो अंदर चलो। ठीक आप। हाँ हाँ शर्मा जी, अरे परसों हम लोग पक्का आ जाएंगे। आऊंगी भी और आपके बच्चों को आशीर्वाद भी दूंगी, आप चिंता मत करिए। हाँ हाँ अच्छा शर्मा जी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। क्या हुआ? वो जो सकीना है ना, उसका सकीना का भाई नहीं लग रहा। वो क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? दीदी मैं आपके साथ रह के खुश यार मैं भी हो चुका हूँ। अरे पहलवान लगता तेरा दिमाग हिल गया है, इलाज करवाना पड़ेगा तेरा। कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी सोचता रहता है। ये क्या चीज की आवाज आ रही है? चल तो जरा देखते हैं। दीदी मैं कह रहा था ना कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। शकीना, 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 बाहर निकल। पहलवान ये पकड़, बाहर निकल, बाहर निकल। ये है तेरी सच्चाई, और कहती है इसको भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है ना? नहीं दीदी। इसीलिए तू आईडी दिखाने से मना कर रही थी। तू तू इसका भाई है, बोल साली कमीनी, अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए इसको अपने भाई बना के अपने घर में ले आई,
बोल, इतने तुझे आग लग रही थी? अरे यहाँ पे हमारे देश में भाई बहन का रिश्ता पवित्र माना जाता है, और तुम दोनों ने मिलके भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया। तू है तुम जैसी औरत पे। सॉरी दीदी, हमें माफ कर दो। प्लीज दीदी, प्लीज हमें माफ। चुप, माफ कर दूं? तुम लोगों ने माफी लायक कोई ऐसा काम नहीं किया है। तुम दोनों का अभी घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। पहलवान, निकाल इसे सामान, फेंक बाहर। दीदी ऐसे मत करो, प्लीज दीदी। धू है तुम जैसी औलादों पे और तुम जैसी मानसिकता पे। पहलवान, सामान ले गया, सामान उठाओ, अपना भागो यहाँ से। दीदी प्लीज माफ कर दो ना, भाग जाओ वरना तुम दोनों के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना, जिंदगी और भूलोगे नहीं। सामान उठा, निकल यहाँ से, निकल। पहलवान, तूने सही बोला था, मैं तेरी बात को सुनी नहीं। क्या हुआ शिखा, इतना परेशान क्यों लग रही हो? एनी प्रॉब्लम? पता नहीं, सुबह से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। यार परेशान हुई तुम, पहली बार ना मिल रहे। खाओ। शिखा एक इंपॉर्टेंट कॉल है, जस्ट अ मिनट। हेलो, आ जाएगी? जो तेरे को बोला था काम स्टार्ट कर लिया तूने? हाँ, बस तू टाइम से वहाँ पहुँच जाइयो, ठीक है? आज साली गेम बजा के रहेंगे। दिमाग खराब कर दिया यार, शादी 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 यार, कितना शादी करूँगा मैं, हद है यार। बस तू टाइम से वहाँ पहुँच जाइयो, जो सामान लेने को कहा है वो ले आइयो, ठीक है? अरे यार कन्वेंस कर लिया है लेकिन मान नहीं रही है, कह रही है कि मेरा मन खराब है, ये वो है फलाना ढिमकाना। बोल दिया उसे मैंने, बस लेके आ रहा हूँ उसे, ठीक है? हाँ, ये तो वही लड़का है जिस लड़की के साथ बैठा था। ये तो उस लड़की को धोखा दे रहा और उसको मारने की बातें कर रहा है। लगता मुझे कुछ करना पड़ेगा, और वैसे भी मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो एक बेटर हूँ। अरे चिंगारी दीदी आ गई, अब इन्हें सारी बातें बताते, यही कुछ करेंगे इसका। ठीक है, लेके आ रहा हूँ उसे, ठीक है? मैं ठीक रख। क्या खाएगा तू आज? दीदी तंदूरी रोटी और पनीर और एक गिलास रायता। ओ घोचू, ये खाने का रेस्टोरेंट नहीं है, सिर्फ नाश्ते का रेस्टोरेंट है। और रायता पी के इस ठंड में तू मरना चाहता है क्या? तू मर गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? एक गिरा दे तूने ना। सुन, मौसम देख के ना चाय समोसा खाने का मन कर रहा है, क्या बोलता है तू? ठीक है, ठीक है। वेटर भैया, वेटर भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो भैया? ठीक है। काम करो, दो समोसे और दो चाय लेके आओ, बहुत दिन हो गया आपके रेस्टोरेंट में चाय समोसे खाए। जी दीदी। जाओ भैया। बटर फिनिश करो, अभी कहीं चलना है। लेकिन यार शिखा, तुम सवाल बहुत पूछती हो, पहले तो हम नहीं जा रहे हो। शेखर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो और तुम ये बात बात पे मुंह क्यों फुला लेते हो? मुंह फुलाने की बात है यार, तुम जब भी देखो हमेशा सवाल पूछती रहती हो। अच्छा ठीक है बाबा, चलूंगी। फिनिश करो फटाफट पैसे। दीदी अभी तक चाय समोसा नहीं है। रहिया आने वाले, देख आगे चाय समोसा। हाँ जितना खाना दीजिए। और भैया दुकान कैसे चल रही है आपकी? Thank you.
देखो दीदी चाय चाहिए, चाय से मुझे फैक्ट्री खोल दूंगी। चलो मुड़ा बैठ गई। क्या बदतमीजी है ये? तुमने चाबी क्यों निकाली? बेटा तू इधर आ। तू क्या ये? उन्हें तू चलत हिजड़ी छक्की गई थी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर हर उस जगह पहुंच जाती है जहां या तो जुर्म होने वाला होता है या जुर्म हो रहा होता है, समझा? जुर्म? कैसा जुर्म? क्या बकवास है ये? अच्छा बकवास, ये बता तू इस लड़की को लेके कहां जा रहा है? बोल। हम तो घूमने जा रहे थे। घूमने जा रहे हो? घूमने जाने का बहाने तुझे जान से मारने का प्लान है इसका, समझी? बोल बोल। क्या ये सच है? ए, नहीं नहीं झूठ बोल रहा है ये। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? बोल सच बोलेगा? बोल 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 बताएगा? जो बताना सच बताना, वरना ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म बना दूंगी तेरी मैं। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। बोल बोल बता रहा। बोल इसको लेके कहाँ जा रहा था? बोल बता बता दो बता बता बता। ये मेरे गले पड़ गई थी, बार बार शादी करने को बोलती थी, मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए मैं इसे रास्ते से हटाना चाहता था। शेखर तुम इतना गिर जाओगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, और तभी तभी मेरा सुबह से मन घबरा रहा था। तुम्हारे जैसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए और बनो प्रेम की दीवानी। कमीने, वो तो रेस्टोरेंट के वेटर ने मुझे बता दिया कि तू इस लड़की के साथ क्या करने वाला है, वरना तू इसे जान से मार चुका होता, समझा? दीदी इसके साइज का ढक्कन नहीं है क्या आपके पास? बेटा पहलवान, चिंगारी के पास हर साइज का ढक्कन है। आज इसकी सांसों का ढक्कन ऐसा बंद करूंगी ना, इसकी आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अगर आज आप नहीं होते तो ये तो मुझे मार ही देता। कैलाश तुझ जैसी लड़कियों को तो पैदा नहीं होना चाहिए, और पैदा होते ही तुम जैसी लड़कियों को काट देना चाहिए। वो कहावत सुना नहीं तूने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सब लड़कियों पे अप्लाई नहीं होता, खासकर तुझ जैसी औलाद पे जो अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात करती है। दूध के दांत टूटे नहीं और चल पड़ी आशिकी करने। सॉरी दीदी, मैं बहक गई थी, ना जाने कहाँ भटक गई थी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पढ़ूंगी, अपना माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। माफ कर दो पहलवान। ये दे दे। ले जा इसे घर छोड़ दे। और सुन, आज के बाद से मैंने अगर देख लिया ना, ऐसा कुछ सुन लिया, काट के गंदी नाली में फेंक दूंगी। याद रखना चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे के नार। पहलवान ले जा इसको घर छोड़ के। सुन बैग लेके जा अपना। पहलवान ध्यान से घर छोड़ाने इसको। क्या आंसू यार, सुबह से फोन में लगे हो। आज संडे, चलो ना एक अच्छी सी मूवी देखते हैं और लंच भी मार करेंगे।
देखो मैं रेडी होके आई हूँ, अब चलो तुम। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलो। चले? अब कौन आ गया? जाकर देखो। मैं देखती हूँ। आंटी आप? नमस्ते बेटा। नमस्ते। आशु है? हाँ अंदर ही है, आ जाइए। अरे आंटी आप जल्दी बताइए क्या काम है, हम लोग कहीं निकलना है। बेटा वो 3 महीने का किराया बाकी था, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? अरे कैसी बातें कर रही है आंटी, हम दोनों अच्छा कमाते हैं। तो ठीक है बेटा, मुझे मेरा किराया दे दो, और ना मेरी बहू को वैसे भी डिलीवरी होने वाली है, तो पहला बच्चा है, खर्चा भी बहुत होगा ना। देखो शारदा आंटी, किराया तो आप भूल ही जाओ, और हाँ अब ये घर भी खाली नहीं करूँगा, जो करना कर लो। बेटा ऐसा मजाक मत करो, मेरा इसी किराए से तो मेरा घर चलता है। देखो मैं मकान खाली करने के लिए नहीं कह रही, मैं बस अपना किराया मांगने आई हूँ। आंटी जी क्यों दिमाग की दही कर रहे हैं आप, हम कोई किराया विराया नहीं देंगे आपको, और आप यहाँ से जाइए और दोबारा मत आना किराया मांगने, समझिए आप। देखो आंटी आपको थाने जाना है आप थाने जाओ, आपको कोर्ट जाना है कोर्ट जाओ, आपको जो भी करना है कर लो, लेकिन हम आपको किराया नहीं देंगे, और अब हम ये मकान खाली भी नहीं करेंगे, समझिए आप, जाइए यहाँ से। बेटा तुम दोनों ये क्या बोल रहे हो, अरे तुम्हें तो पता है ना मेरा पति और मेरा बेटा भी नहीं है, मेरी एक बहू है जिसको अभी डिलीवरी होने वाली है, तुम लोग ऐसा मत करो, मुझे मेरा किराया दे दो। आंटी प्लीज़ ये इमोशनल ड्रामा बंद करो, आप निकल जाओ मेरे घर से, ये रोना धोना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी ये रोना धोना पसंद नहीं है आपका, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं बेटा तुम लोग ऐसा मत करो, मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से ही मकान बनवाया था, मुझे मेरा सिर्फ किराया दे दो। क्यों नहीं कर सकते आंटी, बताइए ना हम क्यों नहीं कर सकते, प्लीज आप जाइए। मैंने तुम दोनों को शरीफ समझ के ये मकान किराए पे दिया था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े बेईमान हो, भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। सारा मूड खराब करके रखती है, तुम एक काम करो एक कप चाय पिला दो, उसके बाद चलते हैं मूवी देखने, ठीक है? ओके। दीदी हाँ। बहुत दिनों से किसी को ढक्कन नहीं लगा। क्यों रे, तुझे किसी को ढक्कन लगवा के मजा आता है क्या? मुझे बहुत मजा आता है जब किसी को ढक्कन लगता है। क्या माजरा है? लगा पहले ना किसी को ढक्कन लगेगा, आ तो। माजी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा हुआ है। हाँ माँ जी बताओ क्या हुआ? 3 साल से मैंने अपना कमरा किराए पे चढ़ा रखा है, और अब मैंने किराया मांगा तो किराया भी नहीं दे रहे, और धमकी दे रहे हैं कि मकान खाली नहीं करेंगे, और मुझे घर से भी निकाल दिया। क्या आपको अपने ही घर से निकाल दिया? हाँ मुझे घर से निकाल दिया, बोल रहे हैं कि हम मकान खाली नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो। मैं भी देखती हूँ कितने बड़े गुंडे हैं वो, आइए तो आप मेरे साथ। कोई फायदा नहीं है बेटा, उन लोगों का ना बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, इसलिए तो वो अकड़ रहे हैं। माँ जी चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैं देखती हूँ कि कितनों के साथ उनका उठना बैठना है, आप आइए तो मेरे साथ, आइए आप पहलवान। चलो यही यही कानों है जिसने मेरे घर पे कब्जा किया हुआ है। अच्छा तो तुम दोनों बदमाश हो, एक काम करो जरा बदमाशी मुझे दिखाओ तो, दिखाओ ना। शारदा आंटी ये किसको लेके आ गए आप, ना ये नर है ना नारी। सुन छमिया, ना मैं नर हूँ और ना ही नारी, मेरा नाम है चिंगारे, चिंगारे किन्नर, समझे? छोड़ो छोड़ना, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो हमें। दीदी का हाथ नहीं है ये फांसी का फंदा है, जिसके गले में पड़ता है ना पेड़ा निकलने के बाद ही निकलता है।
सुन लिया मेरा इंट्रोडक्शन, तुम लोग ना तो किराया दोगे और ना ही घर खाली करोगे ना। बुलाओ कितने बड़े आदमी को बुलाना है, मैं भी यही बैठी हूँ, बुलाओ। मेरे साथ कोई बड़ा आदमी नहीं है और ना ही मैं किसी बड़े आदमी को जानता हूँ। शारदा आंटी, ये किस गुंडे को ले आए आप और हमारे घर में गुंडागर्दी करा रहे हो? बेटा तूने अभी मेरी गुंडागर्दी देखी कहाँ है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तुम जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के इंसान बनाने का काम करती हूँ मैं। अब ये बताओ तुम लोग किराया दोगे या नहीं दोगे? मैं किराया भी दे दूंगा और ये घर भी छोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से तो मैं नहीं मानूंगी। पहलवान फोन निकाल बेटा, नीचे बैठो दोनों, बैठ। जी दीदी अभी निकालता हूँ। अब ये बोलो कि तुम लोग शारदा आंटी के मकान में किराए पे रहते हो, बोल। मैं शारदा आंटी के मकान में किराए पे रहता हूँ। अब ये बोलो कि हम हर महीने किराया देंगे। हम हर महीने किराया देंगे। तो ये बोल कि आंटी जब चाहेंगी हमसे मकान खाली करवा सकती हैं। आंटी जब चाहे मकान खाली करा सकती हैं। है ना? ला पहलवान अब फोन दे दे मुझे। आंटी ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगी, खड़े हो जाओ, खड़ा हो। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ दोनों को, आज के बाद से किसी के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया ना, चिंगारी नाम है मेरा, ढक्कन लगा दूंगी, याद रखना। और सुन छमिया, जाके आंटी का 3 महीने किराया ले गया, चल। लाती हूँ। धन्यवाद चिंगारी दीदी, अगर आज आप नहीं होती तो मेरी मदद कौन करता? कोई बात नहीं आंटी, ये मेरा फर्ज है और चिंगारी के रहते आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सुन बे, दोबारा बोल रही हूँ तुझे, समझा लेना अपनी बीवी को और खुद भी अपने दिमाग से चुप्पी चला लेना। ये लो किराया। आंटी के हाथ में दे। आंटी चलिए, आंटी याद रखना दोनों, आज के बाद से अगर कोई दिक्कत की ना काट दूंगी दोनों को, चले। जाहिल कहीं की, तेरा सारा जाहिल बना उतार दूंगा। गवार कहीं की, तेरे टांगे तोड़ दूंगा, समझे? अम्मी अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब्बू बहुत खराब है, तुम्हें मार देंगे। शिकायत करता है, खड़ा, शिकायत करता है, हाँ? शिकायत करते हैं, तुम दोनों मेरे घर से बाहर हो जाओ। पता मेरे बच्चे को कुछ कहा तो मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? साला जीना हराम कर रखा है, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ हो, एक पल सुकून से नहीं जी सकता क्या मैं इस घर में? निकल जाओ तुम दोनों इस घर से, तुम दोनों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। सब जानती हूँ मैं, समझे, सब जानती हूँ जुबेदा के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। हाँ चल रहा है, बोल क्या करेगी तू, बोल बोल ना। मैं क्या करूंगी, कमजोर हूँ ना, मजबूर भी, लेकिन याद रखो उस अल्लाह की जिस दिन तुम पर मार पड़ेगी ना, पूरी कायनात में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। जबान लड़ाती है मुझसे, जबान लड़ाती है। चलो निकलो मेरे घर से, निकल निकल तो मेरे घर से। अगर आज के बाद यहाँ घर के पास दिखाई भी देगे ना तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। ये ले अपना सामान और दफा हो जाओ मेरे घर से दोनों। जावेद तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता, मेरी नहीं तो कम से कम अपने बेटे के बारे में तो सोचो, कहाँ जाऊंगी मैं? अरे मुझे नहीं पता कहाँ जाएगी, अरे जाना अपने बुबू के पास। ओए नीच इंसान, तुझे औरत के ऊपर हाथ उठाने शर्म नहीं आती, भड़वा साला। तू कौन होती है हम दोनों के बीच में बोलने वाली? ये हम दोनों मी और बीवी के बीच का मामला है। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, औरत और बच्चों पर हाथ उठाने वाले के पिछवाड़े में ढक्कन लगा देती हूँ मैं, ढक्कन। अरे सोहरू मैं इसका, मैं चाहे से मारू चाहे से काटू आज घर से निकालू, तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? मैं इस मासूम बच्चे और इस बेबस औरत की मददगार हूँ, मददगार, समझा? अरे तो करना इसकी मदद, मैं इसको भी तलाक देता हूँ, तलाक तलाक।
अगर तीसरा लफ्ज निकाला ना, मुंह फाड़ के यही जमीन में गाड़ दूंगी, समझा? दीदी, दिन में 10-10 बार मुझे तलाक की धमकी देकर डराता है ये आदमी। गलती इन जैसे हरामियों को नहीं है, गलती तुम जैसे औरतों की है। क्या सिर्फ यही धमकी दे सकते तलाक की, तुम जैसी औरतें नहीं दे सकती? बोलो। दीदी आप ही बताओ, अपने इस छोटे से मासूम से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी मैं? इसलिए सहती है हम जैसी औरतें। अरे बेटा, कि दुनिया बहुत बड़ी है, उस ऊपर वाले भरोसा तो रख के देख, वो हर कष्ट हर दुख में साथ देता है। और सर उठा के जीना सीख, वो ऊपर वाला इतना दयावान है ना, ऐसे हरामियों का सर नीचा करवा देगा वो, समझी? आप एकदम सही कह रही है दीदी, दबने वाले को ही ऐसे इंसान दबाते हैं। आज ये नहीं, आज इस इंसान को मैं तलाक दूंगी। तलाक, तलाक, तलाक। तू चिंता मत करना बेटा, ये चिंगारी दीदी तेरे साथ हमेशा है, तेरी परवरिश करेगी और इस मासूम को ही पढ़ाएगी लिखाएगी। तुझे किसी अच्छी जगह पर नौकरी लगाऊंगी मैं, बहुत सारी बच्चियों को सहारा दिया मैंने, तुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होने दूंगी, ठीक है? आ बेटा चल मेरे साथ। दीदी आज कहीं जाने का प्लान मत बना लेना। क्यों मलकान, ऐसे क्यों बोल रहा है? अरे आप कहीं भी जाते हैं तो कोई ना कोई भसोड़ी हो ही जाती है। तुझे क्या लगता है मैं जानबूझ के भसोड़ी में पड़ती हूँ? देख मलकान, हालात ही ऐसे हो जाते ना कि मुझे कूदना पड़ता है, क्योंकि मुझे अन्याय अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्या दीदी, आपने सबका ठेका ले रखा है क्या? हाँ, ले रखा है ठेका, गरीबों का, लाचारों का, बेसहारों का। ठीक है दीदी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। होली के रंग गुलाल ले लो, टोपी ले लो, पिचकारी ले लो। दीदी ये राधा चाची है ना? हाँ राधा चाची है। फिर रंग बेच रही है, इन्हीं से रंग ले लेते तो मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा। चल ठीक है, इनसे ले लेते। राधा चाची इधर आ जाओ। हाँ हाँ आई चिंगारी जी, चल बेटा चल। आजा बेटा, लो जी लो, लो बैठ जा रे, लो जी लो। क्या देख ले मलकान, जो जो कलर लेना ले ले। ले लो ले लो ले लो, ये भी बढ़िया है रंग। ये टोपी ले लो। दीदी टोपी भी ले लूं क्या? ले ले टोपी। हाँ हाँ ले, पहन के दिखा तो। हाँ अच्छा दीदी कैसी लग रही है? अरे बिल्कुल मैगी वाला पर लग रहा था। ये ले लो पिचकारी, ले लो बढ़िया है। ये भी ले लो पिचकारी, भी बढ़िया है। ये भी चाहिए मुझे। हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो, रंग ले लो, रंग ले लो। हाँ दो पैकेट लाल भी ले लो। हाँ और ये वाले ना चाहिए गुब्बारे? नहीं नहीं गुब्बारे नहीं चाहिए। ले लो ये भी बढ़िया है। पैसे कितने हुए चाची? मलकान चाची से मोल भाव मत कर, मैं दे दूंगी उनको। अच्छा चाची वैसे बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हो, इतने दिन कहाँ थी आप? अरे वो मेरी बेटी के बेटा हुआ है ना, तो मेरी बहू जापे के लिए गई है उसके पास, तो इसकी देखभाल मैं ही कर रही थी। अब सोचा होली का टाइम है तो सोचा दो बहनी हो जाएगी, पैसे के लिए निकल पड़ी। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया है। हाँ, हाँ। और बधाई देने में जरूर आऊंगी मैं। हाँ, हाँ, जरूर जरूर, जरूर। मलखान जी, चाची को 500 रुपए निकाल के दे दे। चाची ये चाची चाय पानी लाऊं कुछ, जो प्यास लगी हो? प्यास तो नहीं लगी, तुझे लगी बेटा? ना पानी की प्यास तो ना लगी, और चाय हम पीते ना है ना, अब माल भी बेचना है, बहुत बचा है। अरे चाची चिंता मत करो, सब माल बिक जाएगा आपका। ए, तेरी जीवा पे सरस्वती माँ बैठी हूँ, सारा माल बिक जाए तो बहुत बढ़िया। हाथ लगा दे चाची। लगा दे रे बेटा, चलो चल चलो है। पिचकारी ले लो, रंग ले लो, गुब्बारे ले लो, अरे रंग ले लो, रंग ले लो, पिचकारी ले लो, गुलाल ले लो, रंग ले लो, पिचकारी ले लो, गुब्बारे ले लो। जा मलकान रख के आसमान। अरे ले लो गुब्बारे, ले लो गुलाल, ले लो। ए बुढ़िया। हाँ मैम साहब। क्या बेच रही है? मैम साहब गुब्बारे हैं, गुलाल है, पिचकारी है, होली के रंग है। अच्छा एक बार दिखा आके। हाँ हाँ दिखाती हूँ, चल आ जा रे आ जा। देखो ना कुछ कलर्स वगैरह बेच के देखते हैं क्या है। बैठ जा रे तू, ये जी बहुत सामान। हाँ ले लो जी।
ये ले लीजिए, कहाँ लोगे? हाँ बताओ कहाँ। ये पिचकारी कितने की है? ये 50 की है। हाँ। और ये 40 का है। और ये टोपी रेड वाली? ये टोपी 30 की है। 30 की? हाँ जी। अरे सही सही लगा ले, तेरे सारी चीजें खरीद लूंगी। अरे बहू रानी बिल्कुल ठीक ठीक ही पैसे लगा रही हूँ। अब ये 40-50 की चीज भी आपको महंगी लग रही है, बताओ है? अच्छा, अगर मुझे इतनी महंगी लेनी होगी तो मैं मार्केट से नहीं ले आऊंगी? बहू रानी अब तुम इतना तेल फूक के जाओगे, थकोगे हैं, आओगे जाओगे, उसमें टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। मैं तो सही दे रही हूँ, बाजार वाले भाव से कम ही दे रही हूँ बहू। देख बुढ़िया, सही दाम लगा लेते हैं, सारा माल बिक जाएगा। एक मिनट, और ये बार बार बहू रानी क्या लगा रखा है? अपनी औकात में रह के बात कर, समझ में आई बुढ़िया? तू देख रहा है मलकान, ये अर्चना और उसका पति राधा चाची से कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। राधा चाची तो उनकी माँ की उम्र जैसी हैं। जी दीदी सही कह रहे हैं, बड़े बदतमीजी कर रहे हैं तो। अरे बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मेरी बहू जैसी हो, इसलिए बोल रही थी। अगर फिर भी तुम्हें बुरा लगा तो माफ कर दो बेटी है। ये बेटा बहू का रिश्ता ना यहाँ मत जोड़, ठीक है? जो सामान तो बेच रही है ना यहाँ पे, वो 10-10 में मार्केट में बहुत मिलते हैं। अच्छा ठीक है, वो सब बात छोड़, 20-20 रुपए में लगाएगी तो तेरा सारा सामान ले लूंगी, बोल जल्दी। ना ना, इतने का ही तो मैंने अभी चिंगारी दीदी को बेचा है, महंगा थोड़ा ना बोल रही हूँ, चाहो तो पूछ लो उनसे। कौन? ये चिंगारी? इसके पास तो हरामी कमाई है, कहीं भी चली जाती है और कमर मटका मटका के पैसे ले आती है। हमारा पैसा ईमानदारी का है। मलकान, इस घमंडी औरत इसके पति को लगता है सबक सिखाना ही पड़ेगा। जी दीदी, कह रहा था कि भसूड़ी कोई ना कोई हो ही जाएगी, हो गई भसूड़ी। मैंने भी कहा था ना मलकान कि भसूड़ी में मैं जानबूझ के कूदती नहीं हूँ, लेकिन अगर भसूड़ी सामने नजर आए तो मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। चल तो। चलिए। अरे वो सब छोड़, एक काम कर, उसकी छोड़ अपनी बता, सही सही रेट लगाएगी तो सारे खरीद लूंगी। अभी सही सही लगा रही है, मैंने तो ज्यादा लगाए भी नहीं। उफ, ये गरीब लोग भी ना कितना बहस करते हैं यार। ओए सुल्तानगंज के नवाब और नवाबजादी, बहुत अच्छे से जानती हूँ कितनी ईमानदारी का पैसा है तुम्हारे पास। तेरा पति एक नंबर का रिश्वतखोर है, रिश्वतखोर। देख चिंगारी, मैं ना तेरा मुंह नहीं लगना चाहती, और तेरे से बहस करके मैं अपनी इज्जत कम नहीं करना चाहती, ठीक है? सन, जब से तू इस घर में आई है ना, पूरा मोहल्ला तेरे घमंडी स्वभाव से परेशान है, समझी? ओ हेलो, आई क्या है? नीचे का पूरा फ्लोर खरीद लिया है मैंने, और मैं कोई किरायेदार नहीं हूँ जो लोगों से डर डर के रहूंगी। और हाँ बुढ़िया, तुझे देना है तो दे, वरना हम जा रहे हैं। ओए सुन, जिससे तू तू तड़ाक से बात कर रही है ना, तेरी माँ की उम्र की है, समझी? समझ आता है तेरी औकात देख के कि कैसे घर की परवरिश है तेरी। अरे अरे चिंगारी बेटा, लड़ो मत, हम गरीबों को तो तू तड़ाक की भाषा सुनने की आदत हो गई है। नहीं चाची, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सुन बे अर्चना, अगर इनकी जगह तेरी माँ होती और सिर पे टोकरी रख के घर घर घूम रही होती, सामान बेच रही होती, उनके साथ अगर कोई ऐसा व्यवहार करता, तुझे कैसा लगता बे? बोलना, तुझे कैसा लगता? एक्सक्यूज मी, मेरे माँ बाप ना करोड़पति है, कोई भिखारी नहीं है इस भिखारन की तरह। वैसे तू किसकी हिमात कर रही है, रिश्तेदार लगती है किसके तू? ज्यादा ज्ञान मत दे, चल। ओए, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और इससे पहले ये चिंगारी शोला बने, निकल जाओ अंदर चल जाओ, वरना तुम दोनों का ना अपनी बिरादरी वाला बना दूंगी, समझे? और एक बात बताओ, क्या त्योहार सिर्फ तुम दोनों के लिए? होली सिर्फ अमीरों का आएगा त्योहार? नहीं ना, ये गरीब चाची को देख लो, कम से कम सुबह से सिर पे टोकरी लेके घूम रही है, अपने सामान को बेच रही है, सिर्फ अपने सामान का ही तो पैसा मांग रही है। तुम दोनों को सामान खरीदने के बजाय उल्टा बेइज्जती कर रहे हो उनकी। अरे तुम दोनों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, समझे? मेहनत से कमा रही है, भीख नहीं मांग रही है। तुमसे ज्यादा अमीर तो वो औरत है, वो औरत। तुम दोनों की ये बंगले ना ऐसे पड़े के पड़े रह जाएंगे, इंसानियत जिंदा रहती है, पैसे नहीं और बंगला नहीं। अरे अरे आप लोग बहस मत करो, आपको जो देना है वो दे दो। ये होती है अमीरी और ये होती है दरिया दिली। देख, गरीब होके भी ये बोल रही है कि जो चाहे वो दे दो, और तुम्हें तो अमीरी का घमंड चढ़ा है ना, तब भी जाके यहाँ मोल भाव कर रहे हो गरीब के सामने। एक बात बताओ, दोनों कभी मॉल में जाते हो वहां मोल भाव करते हो? नहीं ना, गरीब सामने जो 50-100 रुपए सामान बेच रहा वही मोल भाव के लिए मुंह खुलता। अबे तुम लोग अमीर नहीं हो, अमीर नाम पे कलंक हो। अरे तुमसे ज्यादा अमीर तो ये चाची है, चाची आते हैं बात करने। अरे 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 चिंगारी जी शांत हो जाओ, मेरी वजह से झगड़ा मत ना करो, और सामान का क्या है, ये तो मैं कहीं और बेच लूंगी। नहीं चाची,
इंसान को इंसानियत सिखाना चिंगारी का सबसे पहला धर्म है, सबसे पहला। चिंगारी दीदी हमें माफ कर दो, और माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। होली में क्या अमीरी और क्या गरीबी, सुनिए ना, पैसे देके आप ये सारा सामान ले लीजिए। हाँ बिल्कुल माँ जी, आप ये सारा हमें दे दीजिए, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, हमें आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। होली में क्या अमीर और क्या गरीब हमें रियलाइज हुआ हो गया, और सुनो जी हाँ। पैसे दे दीजिए इनको। हाँ बिल्कुल माँ जी, आप सारा सामान हमें दे दीजिए। ये मम्मी। और हाँ माँ जी, हम दोनों की तरफ से आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। हाँ, खुश खुश सदा खुश रहो, खुश रहो। और हाँ, चाहे तुम लोग जैसे भी हो, आखिर हो तो हमारे पड़ोसी ही ना, तुम दोनों को हैप्पी होली, हमेशा खुश रहो। आपको भी हैप्पी होली। चल मलकान, चल। अरे दीदी गाड़ी क्यों रोकी? बेटा मलकान, तुझे कुछ याद रहता है? सब्जी खाता मैं, पता है तुझे? अरे दीदी मैं तो भूल ही गया था। जा जल्दी लेके आ। जी दीदी जाता। आयुष बेटा तुझे कुछ चाहिए? नहीं दीदी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, ये बता तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? दीदी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुझे टाइम नहीं दे पा रही हूँ ना। कोई बात नहीं दीदी, मेरे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। वो अच्छी बात है, ऐसे मन लगा के पढ़ना ठीक है। बेटा तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया जो इतनी रात को आई हो और सुबह का भी इंतजार नहीं कर पाई? दीदी मेरा नाम कीमती कुमारी है और मैं शादी से पहले ही एक बच्चे की माँ बन गई। ओह, तो इश्क प्यार मोहब्बत का चक्कर है? हाँ दीदी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुम दोनों नहीं बेटा, सिर्फ तू प्यार करती थी उससे, वो लड़का तेरे से फ्लर्ट कर रहा था ना, बोल। हाँ दीदी, वो एक दिन जिद करके मुझे होटल लेके चला गया। और तूने सारे कपड़े उतार दिए उसके सामने जो तेरे माँ बाप ने अपने खून पसीने कमाई से तेरा जिस्म ढकने के लिए दिया था, है ना? जी दीदी, जब मैंने उसे बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उसने मुझे गाली गलौज करके किनारा कर लिया, कहने लगा ये किसका पाप तू मेरे मथे मर रही है। और दीदी उसके बाद मैंने सोचा इसका अबॉर्शन करा दूं, तो 4 महीने से ऊपर हो चुके थे, मैं इस बच्चे को गिरा भी ना सकी। उसके बाद दीदी पढ़ाई का बहाना करके मैं अपनी एक सहेली के पास उसके घर चली गई, वहीं मैंने इसको जन्म दिया। चलिए सब छोड़, तू ये बता कि तू मुझसे क्या चाहती है? दीदी अगले महीने मेरी शादी होने वाली है, मैं इस बच्चे को अपने साथ कहाँ लेके जाऊंगी? आप इस बच्चे को संभाल लो, इसके सर पे हाथ रखो दीदी, आप ही मेरी हेल्प कर सकती हो दीदी। तेरे प्यार मोहब्बत के घिनौने चक्कर में ये बच्चा समाज रूपी मैदान में फुटबॉल बन के रह गया है, जो कि जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाएगा, और तू अपना पाप छुपाने के लिए चिंगारी के शरण में आई है। बोल तेरा क्या करूं मैं, तेरा ढक्कन लगाऊं या इस मासूम बच्चे को देखूं, बोल। प्लीज दीदी मेरी हेल्प करो, मेरे इस बच्चे को अपना लो। ला मुझे दे, अपना ले रही हूं मैं, लेकिन निकल जा तू यहां से, भाग जा, और जिंदगी भर अपनी घिनौनी शक्ल ना दिखाना हमें, निकल जा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ले आया बेटा? हाँ दीदी ले आया। चल फिर चलते हैं। दीदी पहचाना आपने? मैं वो कीमती, याद आया कुछ? चिंगारी दीदी याद करो ना, मैं 8 साल पहले आपके पास एक छोटा सा बच्चा लेके आई थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ,
तो एक नजायज प्यार की निशानी को प्रसाद के रूप में देख गई थी मुझे। अनुज बेटा नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। आंटी नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ है जो समाज में शराफत का ढोंग रचने के लिए तुम्हें मेरे पास देके चली गई थी। वैसे तुम्हारी शादी हो गई थी ना, उससे कितने बच्चे हैं तुम्हारे? शादी हो गई थी और 4 साल बाद मेरे पति एक एक्सीडेंट में गुजर गए। दुर्भाग्य से मुझे एक भी औलाद नहीं हुई। दुर्भाग्य नहीं बेटा, सौभाग्य समझ इसे। चिंगारी दीदी मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। ससुराल वालों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे घर वालों ने मुझे अपनाया ही नहीं। कम से कम इसकी शक्ल देख के ही मैं जी लूंगी। एक बात बताऊं, तुझे पता है 4 साल तक भगवान ने तुझे बच्चा क्यों नहीं दिया? क्योंकि शादी से पहले जो तू प्रेम ग्रंथ का पाठ पढ़ाकर ये बच्चा पैदा कर गई थी ना, और न जाने कितनी लड़कियां हैं जो ये सब खेल खेलती हैं, भगवान उनके साथ न्याय जरूर करता है और बिल्कुल सही करता है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले जो तुम लोग वो बिस्तरे गर्म करके बच्चे को ऐसे नाली में बहा देते हो ना टैबलेट खा के, उसका न्याय ऊपर वाला करता है और तेरे साथ बिल्कुल सही किया है। फिर भी मैं इस बच्चे से पूछ लेती हूँ, अगर ये तेरे साथ जाना चाहेगा तो चला जाएगा। अरे आयुष बेटा, ये तुम्हारी माँ है जिन्होंने सिर्फ तुम्हें पैदा किया है और मैंने तुम्हें पाला है, तुम इनके साथ जाना चाहोगे? आंटी जी आपने मुझे पैदा किया इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे पाला है, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। आप जाओ, चलो दीदी भाई। सुन लिया या कुछ और सुनना है? चल जा।